कोने कोने से आए हुए मेरे भारतीय, जिनको मैं क्या कहूं, कभी बहुजन कहूं तो संख्या कम होती है, तो मैं कहूंगा आर्यतर, जो भी आर्य नहीं वो सब यहां आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। हम जो यहां बैठे हैं, अभी अभी बोला कि हमारा एक पांव जेल में है, दूसरा पांव बाहर है, या हम कभी भी हमको वो मार सकते हैं, ऐसे लोग हैं हम यहां बैठे। लेकिन ये जो टाइटल दिया है, किस किस को कैद करोगे, मैं आपको सबूतों के साथ बताता हूं कि पहले मोदी शाह को कैद करना होगा। सबूत है, जस्टिस सावन, जस्टिस कृष्ण अय्यर 2 महीने जाके गुजरात में रहे और गुजरात के दंगों का सब इतिहास, हिरेन पंड्या उनका होम मिनिस्टर, उनका भी एविडेंस लिया और उन्होंने कहा कि जो भी गुजरात में हुआ उसके जिम्मेदार मोदी है और शाह है। एटीएस का चीफ राजेंद्र प्रियदर्शी, एटीएस का चीफ ये जो लड़की ने काम किया है, वो राणा आयोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसने वहां काम किया है, वैसे ही हम आप सब बैठे हुए लोग ऐसे ही है। हम इसलिए आपको ये डिटेल बता रहे हैं कि ये जो हमें यहां आके बैठना पड़ रहा है, तो इसका जो परिणाम है, ऐसा एक समझ लीजिए कि हमारे देश में 2 वर्ग हैं। एक है काश्तकारों का, श्रमिकों का, श्रमिक समझते हैं ना, थोड़ा हिंदी बंबई का है, श्रमिक जो कष्ट करते हैं वो श्रमिक, और दूसरे मानवों को क्या कहते हैं हिंदी में, पैरासाइट को, पैरासाइट परजीवी। दो प्रवाह है देश में, परजीवी और हम सब काश्तकार श्रमिक। तो ये श्रमिक को चूसना, ये परजीवियों का हजारों साल से इस देश में चल रहा है, इसलिए वो हम सबको किसी ना किसी बहाने हमारा विभाजन करते हैं, जाति के नाम पर करते हैं, धर्म के नाम पर करते हैं, और मुट्ठी भरों का राज यहां हजारों साल से चल रहा है। उनका कहना है यदि आप टेट, सावरकर, गोलवलकर पढ़ेंगे तो उनका कहना है कि हम इस देश के मालिक हैं और आप सब उनकी प्रजा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कुछ आंदोलन करते हैं, जब भी हम इनके खिलाफ समाज का प्रबोधन करते हैं, तो इनको चलता नहीं है, इनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया, मैं समझता हूं कि हम स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ नहीं थे, हम बच्चे थे, हमें मालूम नहीं था स्वतंत्र आंदोलन क्या है, लेकिन जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया वो यहां बैठे हैं। पार्लियामेंट में बैठे कौन है आज, जो खूनी है, जिन्होंने हजारों खून किए हैं, वो मोदी और शाह पार्लियामेंट में बैठे हैं, और हमें समझना चाहिए कि वो भेड़ है, हम बकरियां का न्याय वो कैसा करेंगे। तो इसलिए हम सब जब तक साथ में, हम घर घर जाना चाहिए, जो आज का वास्तव है वो बताना चाहिए। ये अनडिक्लेयर्ड आपत्कालीन परिस्थिति है, जो परिस्थिति आज तक देश के सामने कभी आई नहीं। एक बार आपत्कालीन परिस्थिति थी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत उसको डिक्लेयर किया था। जब हम लोग भाषण करते हैं तो आपको विनती है कि आपका रिस्पॉन्स चाहिए। हम किस लिए कर रहे हैं कि ये जो देश की आज परिस्थिति है, ये परिस्थिति का सामना करने के लिए हम सब काश्तकार श्रमिक इकट्ठा हो, संगठित हो और संघर्ष करने की तैयारी रखें। क्या संघर्ष करना है, अभी अभी इन्होंने जिक्र किया कि सब वकील भी अंदर, जो वकील काम करता है श्रमिकों के लिए,
हमारे गडलिंग साहब अंदर है, साईं बाबा अंदर है, ये इनको भी अंदर रखा था और हमारी भी परिस्थिति अलग नहीं है। जिस लोहिया के मर्डर के बारे में हमने सवाल उठाया था, न्यायमूर्ति लोहिया, उसमें चार लोग थे, उसमें से दो को मार डाला है, तीसरा जेल में है और मैं चौथा आपके सामने खड़ा हूं। हम जानते हैं कि हम किससे लड़ रहे हैं, हमारा शत्रु कितना प्रबल है, कितना ताकतवर है, हम जानते हैं। दूसरी बात, हमने 26/11 का हमला जो है मुसलमानों ने बंबई पर किया था, उसमें कोई संदेह नहीं, पाकिस्तानी अतिरेके आए थे, उन्होंने बंबई पर हल्ला किया, लेकिन वो हल्ला होने दिया। सबको मालूम था कि कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है, उनका मकसद क्या है, सब मालूम था। इनका मकसद था जिस करकरे ने, ये पुलिस ऑफिसर करकरे, जिसने महात्मा गांधी से भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी संघ की बाहर लाई, उस करकरे को मारना था। ये संघ वाले, ये सनातन वाले, ये हिंदुत्ववादी विचारों से हमसे लड़ नहीं सकते। मैंने अभी हमारे दोस्त को बोला कि उनकी बाल बुद्धि है, बुद्धि क्या है, वो बच्चे हैं, देश को हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। जब दुनिया आगे जा रही है, ये लोग कहते हैं कि हमें देश को 5000 साल पीछे ले जाना है, तो ये हमारे दुश्मन है। ये ना हिंदू के साथ है, न ये किसी भारतीय के साथ है, ये भारतीय के भी दुश्मन है। मैंने यहां दिल्ली में कहा था कि भागवत को काम करने के लिए, यानी देश में भागवत को जानते हैं ना, भागवत, अरे संघ का प्रमुख है, उसको पाकिस्तान का ISI पैसे देता है, उसने 24 करोड़ लेने का सबूत है। किससे पैसे लिए? पाकिस्तान से। और बात क्या करता है? हिंदू के हित की बात करता है। तो पाकिस्तान से पैसे लेके हिंदुओं का हित करने का बहाना है क्या? नहीं। वो किसने बोला? पुरोहित, जो पुरोहित देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। क्या कॉन्स्पिरेसी थी? उन्होंने कहा था कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर नहीं। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित, उनका ये टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन कोर्ट में आज भी है, और उसने कहा कि ये सारा भागवत ISI से पैसे लेता है तो उसको मैं मारूंगा। उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर शार्प शूटर अपॉइंट किया था कुलकर्णी करके, वो हुआ नहीं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी चल रहा है वो सब झूठ चल रहा है। आपके सामने जो भी आ रहा है वो सब झूठ है। हमें बहुत लोग बोलते हैं कि आप न्यायमूर्ति होके इतनी तेज भाषा, कड़क भाषा कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम जब से, मैं उम्र की 47 साल में रिसिग्नेशन देके बाहर आया, तब से मैं लड़ रहा हूं और मेरी लड़ाई है इस देश के मुट्ठी भर प्रस्तापियों के खिलाफ, जो हमें हजारों साल से चूसते आए। ये जो चूसना है ये कभी बंद नहीं होगा जब तक हम हमारे जाति धर्म भूल के सब काश्तकार सब स्वामी के कथाएं। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमने पहले ही शपथ ली थी कि जब मैं न्यायमूर्ति पद छोड़ के बाहर आया तो मैंने शपथ ली थी, ना मैं पुलिस को डरूंगा, ना मैं जेल को डरूंगा, ना मैं मरने को डरूंगा। हम सब लोग जो भी हमारे साथ नहीं आए, हम नहीं लड़े, सुनिए, हम नहीं लड़े। आप सब घर में बैठे तो मरने वाले हैं कि नहीं? तो सड़के घर में बैठ के सड़के मरना है कि हमारे हक के लिए लड़के मरना है, ये हमें तय करना है। तो क्या तय किया? कि हम लड़के मरेंगे, न हम पुलिस को डरेंगे, न हम जेल को डरेंगे, न हम मरने को डरेंगे, तो ही हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते। तो इसीलिए मैं आपको वादा करता हूं कि देश भर में कहां भी जहां लोग लड़ रहे हैं वहां हम जाते हैं। ये स्टरलाइट का प्रकरण, वकील साहब पहले महाराष्ट्र में आया था, ये रत्नागिरी में आया था, पहले रत्नागिरी में आया था, और वो हमने उसका विरोध किया हुआ। अभी भी एक नारायण प्रफुल्ल, एक कुछ पेट्रोलियम का शुद्धिकरण का प्रकल्प महाराष्ट्र में आया है, उसका भी मैंने जज बनने के बाद पहले विरोध किया था,
वो भाग गया था, लेकिन मोदी के राज में आज आंदोलन खड़े नहीं होते हैं। मोदी ने क्या किया? मोदी ने सत्ता पर आते ही क्या किया? हमारे सबके घर के जो 1000-2000 रुपए निकाल लिए, हम सबको कंगाल किया। यही राजनीति होती है आर्यभट्ट ब्राह्मणों की। मुझे माफ करना, कोई होगा ब्राह्मण तो वो भी मुझे माफ करेंगे, वो हमारे साथ जो है वो हमारे साथ है, उनके बारे में हम नहीं बोलते। लेकिन नीति क्या होती है? तो आपको भूखे कंगाल रखे, आपको स्वर्ग की लालच दिखाए, नर्क का डर दिखाए, 33 करोड़ क्या ईश्वर देव आपके सर पर रखे और आपको हमेशा कंगाल रखे, आपका शोषण करे। ये जब तक हम समझते नहीं कि हमारे शोषण का तरीका क्या है, हमको हमारा जो हमको चूसते हैं लोग कैसे चूसते हैं, तो हम सब एक होके ये सब का सामना करना है। जिनको जिनको इसमें अकल है कि हमका हमारा रात दिन चूसना जारी है, वो सब घर घर जाके सबको बोलना चाहिए कि ये व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। दुर्भाग्य से आज की जो मनुवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ कोई बात करने को डरते हैं। उनको मनुस्मृति का राज चाहिए। मनुस्मृति जानते हैं क्या आप? अरे कोई मनुस्मृति के बारे में मालूम है? मनुस्मृति कहती है कि यदि किसी शूद्र को खाना भी देना है तो ब्राह्मण अपने दांत का घान निकाल के उसमें डाले और फिर दे। मनुस्मृति पढ़ो। मुझे ताज्जुब लगता है कि जो आप यहां आए हैं, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जनेयू सबसे खतरनाक है, उनका मेरे पास सबूत है, तो भी आपके पंजाब में भाजपा की सत्ता आती है। मुझे बोला बड़ा ताज्जुब होता है कि आप गुरु नानक सिंह को ही जानते नहीं, उनकी आइडियोलॉजी भी जानते नहीं। हमारे महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को किसी ब्राह्मण का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। तमिलनाडु में पेरियार जी ने यही सिखाया था और मंदिर उद्ध्वस्त किए थे। लेकिन वो जमात बहुत चालाक है, वो बहुत क्रूर है, वो बहुत कपटी है। आज तमिलनाडु में भी बीजेपी का प्रवेश हुआ है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी के राज है। क्यों? तो वो धीरे से काम करते हैं, वो घर घर जाते हैं और हमारा भेजा सड़ाने का काम करते हैं। हर दिन मीडिया उनका है। आजकल तो मुझे दुख होता है कि जुडिशियरी के बारे में न बोलना ठीक है। मीडिया उनका है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है। आज तक वो कुर्सी में बैठते थे, आज वो सिंहासन पे बैठे हैं। उनके पास सिर्फ स्वर्ग और नरक था, लेकिन अब उनके पास पैसे भी है। एक एक एमएलए की एमपी की कीमत 500 करोड़ 50 करोड़ में एमपी खरीदते हैं, हम एमएलए खरीदते हैं, तो उनके पास अब पैसे भी है। तो पैसे हैं, सत्ता है और सब डेमोक्रेसी को संभालने वाली संस्थाएं उनके कब्जे में है। एक एक संस्था उन्होंने कब्जे में लिए है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद किया है। जो सिस्टम में एजुकेशन का मकसद होता है कि स्वतंत्र विचार वाली युवा पीढ़ी तैयार करे, शिक्षा का मकसद होता है कि हम युवा पीढ़ी को स्वतंत्र विचार सिखाए, लेकिन हमको क्या सिखाया जाता है कि राम ने ऐसा किया, महाभारत में ऐसा हुआ, और वहां जब आज का सब महाभारत में था, अरे गधे, तो उसका कोई सबूत तो दे दो कि सिर्फ बात करते हैं। ये सब बाल बुद्धि वाले लोग जहां बैठे हैं उन सबको हमने समझना चाहिए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके हम पर राज कर रहे हैं। तो मैं भाई बहनों को, देशवासियों को विनती करता हूं कि हमारे सब हम जैसे लोगों का बलिदान व्यर्थ न जाए, इसलिए आप घर घर जाके आप घर में लोगों को समझाए कि यह व्यवस्था मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था जो है, मनुवादी व्यवस्था जानते हैं, मनुवादी व्यवस्था यानी पूंजीवादियों की व्यवस्था, तो यह दोनों व्यवस्था हमें कुछ नहीं करने देंगी। तो हमें संविधान के तहत, हमें किसी का नाम दूसरा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एलर्जी है सोशलिज्म कम्युनिज्म लेने की जरूरत नहीं। जो भी हमारे संविधान चाहता है, संविधान क्या चाहता है? संविधान चाहता है कि इस देश में
शोषण मुक्त समाज, शोषण मुक्त समाज की निर्मित हो। ये शोषण मुक्त समाज की निर्मित जब होगी, जब ये संविधान की अमल बजावनी होगी। तो हम सब आज शपथ लेंगे कि हम सिर्फ संविधान के तहत इस देश का कारोबार चलाने के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत।